कष्ट के दौर में भी किश्तें चुकाने वाले कर्ज धारकों को 5 नवंबर तक मिलेगी कैशबैक की सुविधा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होगा कैशबैक। मिशन बिगिन अगेन के तहत प्रदेश में रविवार से व्यायामशाला यानी कि जिम को दोबारा खोलने की दी गई अनुमति। राज्य सरकार ने इसके परिचालन को लेकर दिशा निर्देश साफ किए। कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए पिछले 6 महीने से धार्मिक स्थल को बंद रखा गया था। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी नागपुर महानगर पालिका की ओर से धार्मिक स्थल खोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने की महाआरती। पारे में विशेष अंतर नहीं, मौसम में घुलने लगी है ठंडक। 20.6 डिग्री न्यूनतम सर। पारे में विशेष अंतर नहीं, मौसम में घुलने लगी है ठंडक। 20.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार की गई कोविड शील्ड वैक्सीन का पहले चरण का पहला डोज मेडिकल अस्पताल में दिया गया। शुक्रवार को और शनिवार को 14 लोगों को पहला डोज दिया गया। एम्बुलेंस के नाम से पहचानी जाने वाली जबलपुर नागपुर ट्रेन को दोबारा शुरू करने के लिए रेलवे जन बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी। 3 ट्रेनें बहाल। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद T20 मैच में वर्धा के 3 क्रिकेट बुकी नागपुर में हुए गिरफ्तार। शिवाजी नगर के एक फ्लैट में की गई कार्रवाई। शहर में फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी की 5 घटनाओं में लाखों की गई ठगी। सीतामढ़ी सहित शहर के 4 थानों में मामला हुआ दर्ज। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शहर के एम्स अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स ने हाल ही में निरीक्षण किया है, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में की प्रस्तुत, जिसमें मरीजों के लिए 100 अतिरिक्त बेड बढ़ाए गए हैं। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर सप्लाई कंपनी यानी कि OCW द्वारा 24/7 जलापूर्ति योजना की क्रियान्वयन में की गई गति। स्लम बस्तियों के प्रत्येक घरों में स्वतंत्र नल कनेक्शन देने से लोगों को मिलेगी राहत।